जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए मन से तैयारी कीजिए और आज हम लोग आ चुके हैं पाठ 14 9.1 का, ठीक है? तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को सीधा शुरू करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए देखिए पहला प्रश्न, प्रश्न पहला नहीं बल्कि पाँच तक हो गया था, छठा प्रश्न है आज का, पहला प्रश्न होगा, है ना। सवाल है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। यानी 1.5 मीटर का कोई लड़का है जो कि भवन से, यानी 30 मीटर ऊंचे भवन है, उस भवन से वह कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर आता जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। देखिए नहीं समझ में, अब समझाते हैं वो, देखिए ध्यान से। प्रश्न आपका क्या है जी? प्रश्न है 6। ये तो देखिए पहले ए बना लीजिए, पहले भूमि, ये जमीन है और जमीन पर एक मीनार खड़ा है, मीनार नहीं भवन है। मान लिया जाए कि ए और बी एक क्या है, हमारा भवन है, और भवन की जो ऊंचाई है वह कितना भाई, 30 मीटर है। यानी पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस भवन की जो आपका ऊंचाई है जमीन से वह कितना है, वह है 30 मीटर। और इसी पर एक लड़का खड़ा है। मान लिया जाए कि सी और डी क्या है, आपका कोई लड़का है, सी डी लड़का है, और लड़का का जो लंबाई है वह है 1.5 मीटर। यानी कि यह हमारा लड़का हो गया। तो जब लड़का आगे बढ़ेगा तो उसका दूरी तो घटेगा, वह बढ़ेगा नहीं, है ना, ऐसे चलेगा। चलिए हो गया। अब यह लड़का यहां से देखता है भवन को, इसका उन्नयन कोण बनता है पहले 30, मतलब 30 से 60 हो जाता है। याद रखिएगा कि आपका कोण जो है ना, जितना दूर जाएगा उतना कम बनेगा, जितना मतलब भवन के नजदीक आएगा उतना कोण क्या होगा, अधिक बनेगा। तो 30 और 60 है, समझिए कि आपका 30 यहाँ होगा। बस ये लड़का जो है कुछ समय के बाद यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, ई एफ पे मान लिया आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ से इस भवन को देखता है तो इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 30 से 60 हो जाता है। तो बोलता है कि लड़के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो लड़का पहले यहाँ पे था, अब यहाँ आ गया है। ई था पहले लड़का, अब यहाँ से यहाँ आ गया। इसका मतलब हुआ लड़का ने यहाँ से आकर यहाँ तक दूरी तय किया। मान लिया एक लड़का एक्स मीटर की दूरी तय किया, ठीक है। अच्छा चलिए बताइए तो एक चीज ध्यान से, यहाँ से पूरे यहाँ हमारा कितना है, 30 है, तो यह हमारा 1.5 है, ई भी हमारा कितना होगा, 1.5 ही तो होगा, और ई भी यहाँ से हमारा क्या होगा, 1.5 ही होगा, ठीक है ना। तो हमारा त्रिभुज जो है ना, इस समतल जो क्षैतिज रेखा है ना, इस रेखा ऊपर बन रहा है ना, तो हमें जरूरी पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी ऊपर ही जरूरी मतलब काम पड़ेगा मेरा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल लेते हैं। तो इसका नाम थे डी ई एफ, इसका नाम थे हम लोग क्या, जी। तो निकालते हैं यहाँ से यहाँ, तो 30 देखिए 30 है ना, 30 में इसको घटा देंगे, हमारा ई वाला भाग बचेगा, ए से जी बचेगा, 30 में घटा देंगे कितना, 1.5, तो आपका बच जाएगा 28.5। घटा तो आता ही होगा तुमको, तो हमारा हो गया 28.5 मीटर। ये दूरी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का हुआ। चलिए हमें निकालना है कि लड़के द्वारा तय की दूरी कितनी है। चलिए माना कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी जो कि हमारा क्या है, यहां से आए सी से एफ, सी ई है, सी ई एक्स मीटर। हम मान लिए कि लड़के द्वारा, नहीं लड़का की दूरी तय क्या है, मान लिए कि माना कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी एक्स मीटर है। बाकी बात जानिए रहे हैं ना, हमारा ए भी क्या है, भवन है, ये लड़का है, ठीक है। सीधा आते हैं हम लोग क्या, त्रिभुज में आते हैं, समकोण त्रिभुज ए
जी ई में, ई हमारा ई है ठीक है ना, ई टू ई है। तो ए जी ई में जिसका कि कोण हमारा जी क्या भाई 90 डिग्री है, ई वाला कोण 90 है, इस एंगल से देखेंगे तो यह हो जाएगा लंब, नीचे वाला हो जाएगा आधार। लंब बटे आधार किस में होता है तो टेन में होता है, तो लंब बटे आधार होगा टेन 60 डिग्री। लंब हो गया हमारा ए से जी हो गया, और आधार हो गया हमारा यहाँ से ई से जी हो गया ठीक है। टेन 60 का मान होता है रूट थ्री, और ए जी, ए से जी कितना है 28.5 है बटे हमारा ई वाला ई जी। नीचे कुछ नहीं, एक है इधर से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ई जी, दिखे से गुना करेंगे ना तो हो जाएगा रूट थ्री ई जी, इधर से गुना करेंगे तो 28.5 रहेगा। तो निकाल लेते यहाँ से ई और जी, तो 28.5 या गुना में है आ जाएगा हमारा क्या भाग में, ऐसा कर देंगे परिमेयकरण रूट थ्री, रूट थ्री ई जी बराबर, तो 28.5 गुना करेंगे तो रूट थ्री, और नीचे देखिए रूट थ्री गुना रूट थ्री तो हमारा आ जाएगा थ्री, तीन से कट रहा है, तीन एकम तीन, तीन नौ में 27, तीन पच्चे 15, तो इसलिए हमारा ई से जी का जो मान हो गया वह 9.5 रूट थ्री मीटर हो गया। 9.5 रूट थ्री मीटर हो गया किसका मान, ई जी का मान। हमें निकालना है एक्स वाला मान ना। अब आते हैं बरकाला त्रिभुज, यहां से यहां ए जी सी में लिखेंगे फिर क्या, समकोण त्रिभुज ए जी, देखिए ए जी सी में, यहां तक सी में जिसका कि कोण जी बन रहा है 90 डिग्री, तो इस एंगल से देखेंगे तो ई वाला हमारा हो जाएगा लंब, और नीचे वाला पूरे हो जाएगा आधार, तो लंब बटे आधार किस में आ जाएगा 10 30 डिग्री। लंब हमारा हो गया ए से जी, और आधार यहां से पूरे हो गया सी जी, सी जी। और 10 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/√3, और ध्यान से देखिए ए जी, ए से जी हमारा कितना है 28.5 है ठीक है। और देखिए गौर से सी जी, सी और जी, तो सी जी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी ई, सी ई प्लस ई जी, या जी ई लिखे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे, हमें लिखना है सी जी लिखना है, तो सी ई प्लस ई जी या जी ई, यानी कि इतना जब इतना बराबर हमारा इतना हो जाएगा। चलिए 1/√3 है और 28.5 है बटे सी ई, देखिए सी से ई हमारा क्या है एक्स है, प्लस जी ई, और जी ई देखिए जी ई या फिर ई जी वही बात हुआ ना, इसका मान कितना है 9.5√3 है ठीक है। तो अगर हम इधर से गुना करें कोना कोनी, एक से गुना करेंगे ना x प्लस 9.5√3 में, तो हमारा आ जाएगा उतने x प्लस 9.5√3, इधर से गुना करेंगे तो 28.5√3। तो हमें निकालना x का मान, तो x को कर लेंगे खाली, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 28.5√3, ये प्लस में है इधर भेज दीजिए हो जाएगा माइनस में 9.5√3। देखिए आप इसको ना डायरेक्ट भी घटा सकते हैं अथवा इसमें कॉमन ले घटा दीजिए, हम लेते हैं रूट तीन कॉमन, तो बचेगा क्या 28.5 माइनस 9.5, इतना ही बचेगा। अब देखिए एक्स बराबर रूट थ्री है, यहाँ पे गुना है तो गुना लिखेंगे, पाँच में पाँच घट गया तो 0., अब देखिए 18 में गया 9 तो हो गया 9, यहाँ बचा 1 तो 1 दशमलव के बाद 0 खत्म, तो इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 19√3 मीटर हो गया। यानी कि यही हमें निकालना था कि लड़के द्वारा तय की दूरी कितना है एक्स है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी या फिर तय की गई दूरी, चली गई दूरी 19√3 मीटर है ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं।
ठीक है ना, बस आराम से। अगर अगर मान लीजिए आपको लगता है कि यहाँ 28 कैसे आया, तो यहाँ पर एक बार हम लिख कर दिखा दीजिए कि ए जी निकाले हैं, ए जी बराबर 30 में हम 1.5 को घटा दिए हैं तो हमारा आ गया है 28.5 मीटर। बस ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा ओझल नहीं लिखना है, ठीक है ना। बाकी बात ओझल इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि बाकी बात हम थोड़ा मान लिए, बाकी बात तो फिगर में तो है ही, सामने फिगर है तो फिर टेंशन क्या चीज़ का, ठीक है ना, गलत नहीं करेगा आपका। ये तो बस परिभाषा लिख के भर दीजिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए थोड़ा ध्यान से, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। सवाल है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन गुण क्रम से 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या थी। ठीक है, ध्यान से सवाल है, भूमि के एक बिंदु से। चलिए पहले, सबसे पहले तो हम आपको देसी भाषा बता दें कि आपका भूमि हो गया एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे है एक बिंदु, यहाँ पर है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कि 20 मीटर ऊंचा भवन है कोई, मान लिया जाए कि आपका ए बी 20 मीटर का ऊंचा कोई क्या है, भवन है, ठीक है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, भवन ए बी भवन हो गया, इसका नीचे वाला होता है पाद, ऊपर वाला होता है शिखर, तो शिखर पर एक लगा हुआ संचार मीनार, मान लिया जाए सी, ए सी हमारा कोई संचार मीनार है, ठीक है। तो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचा भवन, यहाँ से हमारा भवन है, यह हमारा क्या है 20 मीटर है, ऊंचे भवन के शिखर पर लगा हुआ एक संचार मीनार, ये हमारा संचार मीनार है, इसको बोलेंगे संचार मीनार है, इसको लीजिए यह भवन है, नहीं भी लिखेगा चलेगा, आपको हम समझा दिए, ठीक है। तो बोलते हैं कि संचार मीनार के तल, संचार मीनार ए सी हमारा हो गया संचार मीनार, इसका हो गया है तल और सी हो गया शिखर, तो तल से भूमि के एक बिंदु से, चलिए थोड़ा इसको अच्छा से कर दें, सीधा टेढ़ा लग रहा है, भूमि का एक बिंदु यहाँ पे है, सी यहाँ पे डी, तो तल से यहाँ हो गया और तल यहाँ से शिखर हो गया, ईट हो गया, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है, तल यानी कि तल से उन्नयन कोण हमारा हो गया 45 और शिखर से जो है ना, शिखर से कितना हो गया हमारा 60 हो गया। सुनेगा ध्यान से, हमारा कोई ए बी 20 मीटर ऊंचे कोई एक भवन है और उस भवन के छत पर, भवन के शिखर पर, छत बोलिए, भवन के शिखर पर हमारा ए सी कोई संचार मीनार है। संचार मीनार का मतलब होता है कि जहां ऐसा मीनार जो कि किसी छत से मान लिया कोई छत है, इसको खुट्टा गाड़ दे, यहाँ से तार कोई निकल कर चला गया, उसको संचार मीनार कहा जाता है, ठीक है ना, मतलब छोटा सा मीनार बोलिए, ठीक है। तो हमारा ए सी संचार मीनार है और ए भी हमारा क्या है, भवन है, और संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल का मतलब हुआ नीचे, शिखर का मतलब हुआ ऊपर, तल तल मतलब ईला तल, इसका तल से कोण बनता है 45 और शिखर से बनता है कितना 60। तो बोलता है क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार मतलब ई वाला मीनार, संचार मीनार, तो इसको बोलते हैं क्या, एच मीटर, ठीक है। चलिए माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई जो कि ए सी है, यह हम मान लेते हैं कितना एच मीटर है, मान लिया कि माना कि संचार मीनार की ऊंचाई यानी कि ए सी हमारा कितना है, एच मीटर है। चलिए लिख देते हैं ए बी भवन, या लिख सकता भवन की ऊंचाई, ये नहीं लिखेंगे चलेगा, भवन की ऊंचाई हमारा ए बी है और यह कितना है हमारा 20 मीटर है, बस और कुछ लिखना है, ठीक है। जो निकालना पहले उसको लिखेंगे, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई, तो मान ले कि माना कि संचार मीनार की ऊंचाई हमारा क्या है, एच मीटर है, और भवन की ऊंचाई दिया गया है 20 मीटर है, बस और कुछ नहीं। अब आएंगे सीधा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या समकोण बन रहा है, किसी को ले सकते हैं, चाहे आप सी बी डी ले सकते हैं या ए बी डी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले छोटा सा शुरू करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में,
जिसका कि कोण हमारा बी 90 डिग्री है। किसमें? तो ए बी डी में हमारा बी 90 है। इस एंगल से ये वाला हो जाएगा लंब, नीचे वाला हो जाएगा आधार। लंब बटे आधार हमारा आ जाएगा 45 डिग्री है। लंब हमारा हो गया भाई ए बी, आधार हमारा हो गया बी डी। 45 का मान होता है 1 और ए बी हमारा है 20, नीचे तो बी डी, तो बी डी ही है, नीचे कुछ है, 1 है। 10 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी डी, 10 गुना करेंगे तो 20 से कम 20 मीटर हो गया। चलिए आते हैं अब समकोण त्रिभुज अब सी बी डी में, सी बी डी में जिसका कि कोण बी क्या है 90 डिग्री है। अब इस एंगल से देखेंगे या 60 का एंगल से यहां देखेंगे तो सामने वाला ये लंब होगा, नीचे वाला आधार। लंब बटे आधार किसमें? 10। कितना डिग्री? तो 10 60 डिग्री है। लंब हमारा हो गया, देखिए लंब यहाँ पूरे पूरे यहाँ से सी बी, सी बी बोलिए फिर बी सी बोलिए, लंब हो गया यहाँ से हमारा पूरा बी सी लंब हो गया। और नीचे वाला आधार हमारा हो गया क्या? बी डी हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 10 60 का मान होता है रूट 3 और बी सी। देखिए ध्यान से आप बी सी क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग बी सी को, बी से सी क्या लिखेंगे, बी सी को लिख सकते हैं ए बी, ए से बी प्लस ए से सी बटे हमारा देखिए बी डी, तो बी डी ही है। नीचे कुछ नहीं, 1 है, इधर से गुना करेंगे या इधर से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा प्लस ए सी हो जाएगा, इधर से गुना करेंगे तो रूट 3 बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान है बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मान हम यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। ए बी तो ए से बी हमारा है 20, ए सी तो ए से सी हमारा है एच, रूट 3 इंटू बी डी, देखिए बी डी निकाले हैं कितना 20। इसको बोल दीजिए समीकरण 1, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि जब कोई चेक करेगा ना कॉपी कि बी डी का मान कहाँ से आया तो बोलेगा फ्रॉम फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से देख लेगा हाँ बी डी का मान कितना 20 लिया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए 20 प्लस एच, यहाँ पे गुना करेंगे तो रूट 3, यानी कि गुना करेंगे तो 20 रूट 3 हो जाएगा। एच निकालना है तो एच बराबर देखिए 20 रूट 3, ये प्लस में है ना, 20 इधर भेज देंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस में, तो इसलिए ऊंचाई बराबर कॉमन आ जाएगा 20, तो क्या बचा रूट 3 माइनस 20 एकम 20 इतना मीटर। अरे कहने का मतलब हुआ संचार मीनार की ऊंचाई जो है हमारा कितना है 20 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर है। लास्ट में लिख दीजिए अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितना है 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम आराम से बारीकी से देखिए, बिल्कुल आपको हम बेस्ट तरीका बता रहे हैं, बेस्ट नियम बता रहे हैं, को ऑल झोल नहीं, बाकी बात सब फिगर में तो दिखाई पड़ रहा है, एकदम आराम से फ्रेश कॉपी फ्रेश रहेगा तो नंबर कोई नहीं काटेगा, इतना जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ाए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर और बेहतरीन सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिए 8 क्या। देखिए 8 में है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। पेडेस्टल तो पहले समझिए पेडेस्टल क्या होता है, आप कहीं टाउन वगैरह गए होंगे या फिर आपके पास आसपास में कोई अगर कोई ऐसा टाउन होगा जहां पर थोड़ा प्रसिद्ध होगा बाजार से मार्केट से, वहां पे देखे होंगे इस तरह से जो है ना कोई खंबा ऐसा बना हुआ है और इस पर जो है ना, इस पर जो है ना आपका मूर्ति बना हुआ है, चाहे अंबेडकर जी का हो, महात्मा गांधी का हो, जिस स्थान पे मूर्ति को रखा जाता है ना उस स्थान को पेडेस्टल कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी पेडेस्टल समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में है कि पेडेस्टल, तो पहले आप आराम से बना लीजिए भूमि, ये रहा भूमि और भूमि पर एक पेडेस्टल है,
चलिए ये रहा पेडेस्टल, ठीक है, और इस पर जो है ना एक मूर्ति लगा हुआ है। मान लिया जाए कि हमारा ए, चलिए यहाँ पे ए और बी कोई पेडेस्टल है और ए से सी कोई मूर्ति इस पर बैठा हुआ है, और इस मूर्ति का जो ऊंचाई है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर बस यहाँ तक की मूर्ति का ऊंचाई हो गया, और यह हो गया हमारा पेडेस्टल। भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि का एक बिंदु यहाँ पे मान लिया हम ए बी सी, यहाँ पे हो गया डी, भूमि का एक बिंदु डी मान लिए, भूमि का बिंदु से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर ये हमारा मूर्ति हुआ, तो मूर्ति का हमारा बिंदु ए हो गया, पाद बिंदु हो गया, और बिंदु सी शिखर हो गया, तो मूर्ति का शिखर हो गया सी। मूर्ति का शिखर से उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से, यानी वही बिंदु, बिंदु डी से ही, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, और इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, तो हमारा ए हो गया पेडेस्टल का शिखर हो गया, और बी हमारा हो गया पाद, उसी बिंदु से इसका पेडेस्टल का शिखर कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो अब क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका ऊंचाई निकालना है पेडेस्टल का, हम मान लें एच मीटर है, ठीक है, बस सवाल हो गया। माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल हमारा ए बी है, तो ए बी हो गया हमारा कितना एच मीटर, मान लिया कितना एच मीटर है। चलिए मूर्ति की ऊंचाई इसको भी लिखे लेते हैं, मूर्ति की ऊंचाई यानी कि ए सी 1.6 मीटर है, बस हो गया, जो मान निकालना था उसे लिख लेना है, और जो मान दिया गया है उसको भी लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे ना इसको चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब लिखा हुआ है। चलिए आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसका कि कोण भी क्या है 90 डिग्री है, देखिए ए बी डी में यहाँ पे कितना बड़ा 90 डिग्री, इस एंगल से हो जाएगा लंब, नीचे वाला हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार हमारा क्या आ जाएगा 10, कितना डिग्री, तो 45 डिग्री, ए बी हमारा हो गया लंब और नीचे पी डी हमारा क्या हो गया आधार हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका मान तो एक होता है, और ए बी हमारा तो एच है, और बी डी, बी से डी कुछ नहीं तो लिखिए बी डी, कुछ नहीं तो 1 है, इधर से गुणा करेंगे तो एच बराबर क्या हो गया इधर बी डी हो गया, इसको सिमिलर एक बोल देंगे क्योंकि इसका जरूरी पड़ेगा। चलिए अब आते हैं समकोण त्रिभुज बड़का वाला में सी बी डी में, इसका कोण भी क्या है 90 डिग्री है, तो इस एंगल से ये वाला होगा लंब, नीचे वाला होगा आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा किसमें 10, कितना डिग्री है तो 60 डिग्री है, 10 यानी लंब हो गया हमारा बी सी, और आधार हमारा हो गया बी डी हो गया। चलिए 10 60 का मान होता है √3 होता है, और बी सी को क्या लिख सकते हैं, देखिए बी सी, बी सी को लिखेंगे हम लोग ए बी जोड़ ए सी, देखिए ए बी जोड़ ए सी बराबर हमारा क्या होगा बी सी हो जाएगा, अब बटे क्या है हमारा बी डी है, बी डी, चलिए इलाज लगाते हैं, इधर से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा ए सी, इधर से गुना करेंगे ना हो जाएगा √3 बी इंटू डी। चलिए ए बी, ए बी का मान हमारे पास है एच, यहाँ लिखेंगे एच, ए सी, ए सी का मान है 1.6, और √3 इंटू बी डी, देखिए बी डी का मान एच है तो हम लिखेंगे एच, या कहाँ से आया फ्रॉम फर्स्ट सिमिलर एक से आया, एच प्लस 1.6 गुना करेंगे तो हो जाएगा √3h, राइट। अब देखिए 1.6 को इधर छोड़ देते हैं, h वाले को h की तरफ लोग चले जाते हैं, ठीक है, तो देखिए √3h है, ये प्लस में इधर भेज देंगे हो जाएगा माइनस में h, 1.6 कॉमन लेंगे इसमें हमारा कॉमन आएगा h, तो क्या बचेगा √3 h कम h एक बार में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना,
एच रूट थ्री माइनस वन, इसको हम इधर कर देते हैं, यानी जिससे कि दो बराबर तीन, तो तीन बराबर क्या दो, खाली इसको आगे पीछे कर दिए, इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, बराबर तो है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा क्या, बिल्कुल चलता है। एच निकालना है तो एच बराबर देखिए 1.6, ये गुना में आ जाएगा भाग में रूट थ्री माइनस वन, कर देंगे परिमेयकरण, रूट थ्री माइनस हो जाएगा प्लस में, माइनस हो जाएगा प्लस में। देखिए एच बराबर गुना करेंगे तो 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस वन तो है ही, यहाँ देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच बराबर 1.6 रूट थ्री प्लस वन, यहाँ देखिए रूट थ्री का स्क्वायर हमारा हो जाएगा थ्री, और एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। एच बराबर 1.6 रूट थ्री प्लस वन है, नीचे घटेगा दो तो दो अट्ठी सोलह 0.8, इसलिए एच बराबर कितना आ गया 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर। लास्ट में लिख दीजिएगा अतः क्या था, पेडस्टल की ऊंचाई, ठीक है, तो 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से एकदम धैर्य से बनाइए, बिल्कुल सवाल में कोई दम नहीं है, एकदम आराम से बनेगा, सब बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नौ, क्वेश्चन नंबर नौ देखिए, और प्यारा सा क्वेश्चन है, नौ में क्या है देखिए ध्यान से, नौ में है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि दो पट्टी में मतलब जो मतलब दो किनारा है इस तरह से, जैसे मान लिया कि ए और बी कोई सड़क है, ठीक है, या जमीन बोल दीजिए, जमीन है वह सड़क, तो एक बगल मीनार खड़ा है और एक बगल जो है ना भवन खड़ा है, मीनार खंडा बड़ा होता है, इसको बोल दीजिए डी, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, यह हमारा हो गया मीनार, ये हमारा हो गया क्या भवन, सुनेगा ध्यान से, मीनार के पाद बिंदु से मीनार का ई सी हो जाएगा शिखर, बी हो जाएगा पाद बिंदु, और आएंगे भवन में, भवन का हमारा ए हो जाएगा पाद बिंदु और डी हो जाएगा शिखर, ऊपर वाले हिस्सा को शिखर कहा जाता है, ठीक है। तो सवाल है क्या, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, ई टू भवन का शिखर, ई टू गया मीनार का पाद, यू गया शिखर, तो उन्नयन कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। फिर क्या कहता है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन ये वाला हुआ इसका पाद बिंदु ये हो गया, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, अच्छा ये यहाँ 60 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये वाला मीनार हो गया, इसका ऊंचाई कितना दिया गया 50 मीटर, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा, तो भवन की ऊंचाई होगा h मीटर, ठीक है। देखिए बोला है कि मीनार के पाद और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, फिर बाद में बोला कि भवन के पाद और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, यदि भवन की यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा, मैंने कहा भवन हमारा कितना है h मीटर है। चलिए मान लेते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन हमारा क्या है AD है, और इसका ऊंचाई हमने क्या मान लिया h मीटर, ठीक है। उसके बाद मीनार, देखिए मीनार भी है, मीनार की ऊंचाई मीनार हमारा BC है, यह हमारा कितना है 50 मीटर, बस एक कहानी है, एक हमारा भवन है एक हमारा मीनार है। चलिए आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आ जाते, किसी को ले सकते हैं, चाहे पहले इसको लीजिए या इसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बनना ही है,
रस लेते हैं समीकरण अंतर बोझ सी बी ए में या फिर ए बी सी में, ए बी सी में इसका कि कौन बी क्या है 90 डिग्री है, इस एंगल में आएंगे तो ई वाला कौन यहाँ से 90 बनेगा, ठीक है। तो यह लंब के नीचे आधार, लंब बटा आधार किसमें आता है हमारा 10, कितना डिग्री है तो इस एंगल से 60 डिग्री, लंब हमारा हो गया बी सी, आधार हमारा हो गया भाई ए बी। और देखिए टेन 60 का मान होता है रूट 3 और बी सी, तो बी सी हमारा कितना 50 है बट ए बी कुछ नहीं तो एक, तो इधर से गुणा करेंगे तो होगा रूट 3 ए बी, इधर से गुणा करेंगे तो 50 से कम 50, तो इसलिए यहाँ से निकाल लेते ए बी का मान, ए बी बराबर हो जाएगा 50 और बट्टे हो जाएगा रूट 3 मीटर, इसको एक बोल दीजिए। इसका परिमेरण मत कीजिए क्योंकि परिमेरण करेगा ना तो ये 50 में नहीं कटेगा, जो कटता है ना उसको करना थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। कितनी छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, अब समीकरण अंतर बोझ इसमें आ जाते हैं क्या है बी ए डी में, बी ए डी में इसका कि कौन हमारा एक क्या है 90 डिग्री है, ए यहाँ 90, तो इस एंगल से, इस एंगल से देखेगा ई हो जाएगा लंब नीचे आधार, लंब बटा आधार किस में आ जाएगा तो 10, कितना डिग्री तो 30 डिग्री, लंब हमारा हो गया ए डी, आधार हमारा हो गया ए बी, और 10 30 का मान होता है 1/√3 और ए डी देखिए ए डी तो हमारा एच है एच लिखेंगे और ए बी, ए बी तो हमारा तो ए बी ही है। चलिए देखिए ध्यान से, तो इधर से गुना कर जाए, इधर से गुना कर, इधर से गुना करेंगे ना तो हो जाएगा रूट 3h और इधर से गुना करेंगे तो ए बी रहेगा रूट 3h ए बी, तो ए बी का मान हमारे पास है कितना है, ए बी का मान है 50/√3, आया कहाँ से भाई फ्रॉम फर्स्ट कर देंगे इसको, पहला सुनने से आया यहाँ से आया, तो देखिए ध्यान से कुछ नहीं तो एक है, फिर इधर से गुना करेंगे ना √3h/√3 तो हमारा हो जाएगा 3h और इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 50, तो इसलिए h बराबर कितना आ जाएगा 50/3, और यह कट रहा है कटा देंगे, नहीं कटेगा तो पूर्णांक में कर देंगे। देखिए ध्यान से, तो 3 × 3 = 2, 3 × 6 = 18, 3/2 सॉरी 2/3, ठीक है, इसलिए हमारा ऊंचाई जो हो गया वह 16.2/3 मीटर। लास्ट में लिख देना है नीचे अतः, क्या था हमारा भवन, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना आ गया 16.2/3 मीटर कंप्लीट। तो चलिए मुझे उम्मीद है आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा है, एकदम आराम से बनाइए, एक बार बनाइए दोबारा बनाइए, ठीक है ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा एकदम, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको 9.1 का जो है ना शुरू से देखना पड़ेगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 9 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और 10 बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और 10 सवाल स्क्रीन पे देखिए, 10 में है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच की दूर बीच सड़क की एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि देखिए कोई ए रहा आपका सड़क, मान लिया जाए कि हमारा ए और बी क्या है सड़क है, और सड़क के दोनों किनारों पर इधर भी और इधर भी दोनों किनारों पर समान लंबाई का खंभा है, अगर हमारा यहाँ एच मीटर का खंभा है तो ये भी हमारा क्या होगा एच मीटर का खंभा होगा, यानी समान लंबाई का खंभा है दोनों ओर में, लेकिन सड़क का जो चौड़ाई दिया गया है वह दिया गया है आपका कितना 80 मीटर है, इस सड़क की पूरी चौड़ाई जो है इस सड़क है 80 दिया है, बोलता है क्या इस सड़क के किसी एक बिंदु से, मान लिया पे कोई बिंदु एक है, एक मतलब एक बिंदु पी ले लिया हम, अब बोलता है किसी बिंदु से, सड़क के किसी बिंदु से
खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। कितना कितना है? 60 है और 30 है। इधर 60 30 से कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर लेंगे 30 तो इधर लेंगे हम लोग कितना 60। अगर इधर 30 तो इधर लेंगे 60, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमें निकालना है दोनों खंभों की ऊंचाई निकालना है और साथ में इस खंभा से दोनों बिंदु का दूरी, यानी कि खंभा ए से पी का दूरी, खंभा बी से पी का दूरी, ठीक है ना। ए बी सी इसका नाम देते हैं डी। चलिए देखिए ध्यान से, माना कि समान, चलिए माना कि ए डी एवं चलिए बी सी समान लंबाई के दो खंभे हैं, दो खंभे हैं इसीलिए ना जिसकी जिसकी ऊंचाई h मीटर। चलिए क्या लिख दिए, माना कि AD और BC समान लंबाई के दो खंभे हैं जिसकी की ऊंचाई कितना है h मीटर है। दोनों की ऊंचाई कितना है h मीटर है, ठीक है। सड़क की चौड़ाई जिसको हम लोग ए बी कहेंगे, यह हमारा कितना 80 मीटर है, ठीक है। अब देखिए अगर हम मान लें खंभा ए से पी का दूरी अगर एक्स मान लेते हैं कितना होगा, देखिए यह एक्स है तो कितना होगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कैसे होगा सर जी, देखिए अगर मान लीजिए पूरे खंभा यहाँ कितना हमारा 80 है और बोलेंगे ना यहाँ से यहाँ दूरी हमारा ना 30 है तो बताइए यह दूरी कितना होगा। तो सिंपल सी बात करेंगे ना, 80 में यहाँ का 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा। यानी कि अगर यह मेरा एक्स है तो यह मेरा कितना होगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी बराबर एक्स तो पी बी बराबर 80 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं समकोण त्रिभुज आते हैं, किसी में लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेते हैं डी ए पी में जिसका की कोण हमारा ए बन रहा है भैया 90 डिग्री। देखिए ई वाला कोण क्या है 90 डिग्री, तो इस एंगल से लंब नीचे वाला आधार, लंब बटा आधार किसमें आ जाएगा वही 10 कितना 30 डिग्री। लंब हमारा हो गया ए डी और आधार हमारा हो गया ए पी। 10 30 का मान है हमारा रोड 3 होता है और ए डी, ए डी तो एच है भाई और ए पी, ए पी हमारा कितना है एक्स है, कुछ नहीं तो एक इधर से गुना कर देंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा रूट 3x, इसको बोल देंगे समीकरण 1। चलिए अब आते हैं समकोण त्रिभुज सी बी पी में इसका की कोण बी 90 डिग्री है। देखिए ध्यान से सी बी पी में जिसका की कोण बी क्या है 90 डिग्री है, तो इस एंगल से लंब नीचे वाला आधार, लंब बटे आधार 10 कितना डिग्री तो 60 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर बी सी बटे हो जाएगा बी पी। 10 60 का मान होता है इसका मान होता है 1/√3 होता है, सॉरी इधर से गुणा करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √3h हो जाएगा। यहाँ से सारे ना दिमाग मेरा आ गया, इसका मान होगा √3 बी सी, बी सी बी सी बी सी हमारा h है और बी पी, बी पी कितना है e, बी पी देखिए 80 माइनस एक्स है कुछ नहीं तो एक, इधर से गुणा कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा हमारा कितना, गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा √3 80 माइनस एक्स हो गया। तो चलिए एच रूट √3 है 80 माइनस एक्स, देखिए x x का मान कितना है √3h, यहाँ लेंगे हम कितना √3h, यह कहाँ से आया तो फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए एच बराबर गुना कर देंगे तो होगा हमारा 80 √3, यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3h, देखिए गुना करेंगे 80 √3 हुआ ना, √3 हो जाएगा। अब इस 3h को इधर लेंगे, इधर h तो हमें क्या है ना माइनस हो जाएगा प्लस में 3h 80 √3,
हो जाएगा चार रूट तीन, सॉरी चार एच होगा सीधा सीधी रूट, यानी ये देखिए चार दूनी आठ, तो इसलिए ऊंचाई कितना निकल गया हमारा बीस रूट थ्री मीटर। ये क्या हो गया हमारा दोनों खंभे की ऊंचाई निकल गया। अब निकालना है इसका दूरी, तो लास्ट में आप लिख देंगे, अब कुछ लिखना नहीं है, लिखना है अतः दोनों खंभों की ऊंचाई कितना आ गया 20 रूट थ्री मीटर है, तथा पी से यानी इसका दूरी यानी कि तथा ए पी निकालना है, और हमें निकालना है क्या निकालना है बी पी निकालना है ना, है यानी कि इस बिंदु से दोनों खंभा दूरी निकालना है। पहला दूरी है ए से पी, दूसरा है हमारा बी से पी है, तो ए पी, ए पी देखिए ध्यान से ए पी, ए पी हमारा क्या है एक्स है, और एक्स का मान कितना निकला हुआ है एक्स 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 का मान कितना रूट थ्री एच है, तो रूट थ्री एच रूट थ्री इंटू एच, एच का मान देखिए कितना आया था ई है बीस रूट तीन, तो देखिए ध्यान से कितना होगा, तो देखिए बीस तो है ना गुना एगो तीन हो जाएगा बाहर, तो बीस तीन कितना देगा साठ मीटर। चलिए नीचे सुनते हैं, ऐसे ना हम क्या कर सकते थे पहले बता दें आपको कि यहाँ मान ना एच का मान सिमिलर एक में धर देते हैं, यहाँ मेरा जो ना एक्स का मान क्लियर निकल जाता है, यहाँ भी कर सकते थे ठीक है ना। तो यह हमारा है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स एक्स का मान कितना है 60, घटेगा तो कितना होगा 20 मीटर। ठीक है अगर हमारा अभिष्ट आंसर आ गया ठीक है, आप चाहे तो एच का मान सिमिलर एक में धर दीजिएगा तो आपका एक्स का मान निकाल जाएगा, फिर बाद में यहाँ से निकाल लीजिएगा, बात उतना ही पड़ेगा ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, और बचा है कितना 6 क्वेश्चन, इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पार्ट में जो है ना आपको पूरा कर देंगे ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट है कोई भी दिक्कत है तो आप सभी हमें कमेंट कीजिए, आपका हम रिप्लाई जरूर करेंगे, बिल्कुल 100% आपका हम 1 से 2 दिन में रिप्लाई कर देंगे। अगर आपसे कोई सवाल नहीं बनता, आप अदर बुक बनाते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर सवाल कर दीजिए या कमेंट में कर दीजिए। सवाल करने के लिए आप 6201139196 पर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल आपका रिप्लाई मिल जाएगा ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।